हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट जयपुर द पिंक सिटी चैनल। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि बाजार के मेहंदी कोन में डार्क कलर के लिए हार्मफुल केमिकल्स और डाई मिक्स की जाती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी नेचुरल चीज यूज करके आप मेहंदी में बाजार से भी ज्यादा अच्छा, प्यारा और डार्क कलर ला सकते हैं। वो नेचुरल चीज है ये प्योर मेहंदी ऑयल, जिसे मेहंदी की पत्तियों से बनाया जाता है। ये वैसी ही बात है जैसे नारियल का तेल नारियल से निकाला जाता है और मूंगफली का तेल मूंगफली से निकाला जाता है। जहां एक तरफ बाजार के मेहंदी कोन में हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये नेचुरल मेहंदी ऑयल इतनी अच्छी चीज है कि अरोमा थेरेपी में इसका इस्तेमाल थकान दूर करने और स्ट्रेस के इलाज के लिए किया जाता है। तो आप खुद ही सोचिए इसको यूज करना कितना अच्छा है। मेरे पास आरवी एसेंशियल कंपनी का मेहंदी ऑयल है। इसे मैंने अमेजोन से ऑनलाइन खरीदा है और आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी दिया है, ताकि आप उस लिंक पर क्लिक करके ये ऑयल खरीद सकते हैं। आइए देखते हैं इस मेहंदी ऑयल को यूज करने का तरीका, जिससे आपको मेहंदी का कलर बहुत डार्क मिलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ तीन चीजें चाहिए, वो है मेहंदी पाउडर, चाय पत्ती को उबालकर ठंडा किया हुआ पानी और ये मेहंदी का तेल। मेहंदी पाउडर को मैं एकदम पतले सूती कपड़े से छान लेती हूँ, ताकि मुझे एकदम बारीक मेहंदी पाउडर मिले, क्योंकि मोटे दानेदार मेहंदी पाउडर का पेस्ट मेहंदी कोन में से स्मूथली नहीं निकलता है। अब मैं मेहंदी का पेस्ट बनाने के लिए 3 चम्मच मेहंदी पाउडर ले रही हूँ। मैं इसमें चाय पत्ती का 7 चम्मच पानी मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, इसको शुरू में हम इतना गाढ़ा रखेंगे क्योंकि मेहंदी पेस्ट बनाकर थोड़ी देर रखने के बाद ये थोड़ा पानी छोड़ता है। अब हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मेहंदी का कोन बना लेते हैं। मेहंदी का कोन बनाने के लिए मैं ग्लॉसी गिफ्ट पेपर यूज करती हूँ, क्योंकि ये मेहंदी से गलता नहीं है और ये हर जगह इजीली मिल जाता है। इस पेपर से कोन बनाने के लिए मैं इसमें से 6 इंच बाय 5 इंच का एक टुकड़ा काटूंगी। ये देखिए, ये टुकड़ा मैंने काट लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए कोन बनाएंगे। अब हम इस जगह पर टेप लगा देंगे, ताकि ये खुलेगा नहीं। ये देखिए, मेहंदी का कोन बनकर तैयार है। हमने 15 मिनट के लिए मेहंदी छोड़ी थी और अब वक्त है इसको संभालने का। तो मैं इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि मेहंदी पेस्ट में शुरू में एक साथ ज्यादा पानी इसलिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये शुरू में ही पतली हो जाएगी तो बाद में हमको मुश्किल आएगी। जबकि 15 मिनट बाद जब हम इसे अच्छी तरह से फेंट रहे हैं, तब हमको अगर लगे कि ये गाढ़ी है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। ये देखिए, अभी ये मेहंदी पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, ताकि ये पेस्ट स्मूथ हो जाएगा तो कोन में से आराम से निकलेगा। कोन में भरने से पहले मेहंदी को खूब अच्छी तरह से फेंट लेना इसलिए जरूरी होता है, ताकि इसमें जितने भी गुठलियां हैं वो सब खत्म हो जाए, ताकि जब ये कोन में डले तो उसके बाद मेहंदी कोन में से आराम से निकलेगी। मेहंदी पेस्ट को कितना गाढ़ा या पतला रखना चाहिए, अब मैं वो आपको बताती हूँ। ये देखिए, मेहंदी फेंटते फेंटते अब इसकी धार बनने लगी है, लेकिन अभी बहुत मोटी और टूटी हुई धार बन रही है। इसका मतलब मेहंदी अभी गाढ़ी है और इसे थोड़ा सा और पतला करने की जरूरत है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालें, नहीं तो मेहंदी ज्यादा पतली हो जाएगी। अब इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा और पानी डालकर फेंटने से इसकी एक अच्छी स्मूथ धार बन रही है। अब ये मेहंदी कोन में भरने के लिए तैयार है। ये देखिए, अब धार टूट भी नहीं रही है। अब इसमें 10-12 बूंदे इस मेहंदी के तेल की डालेंगे
और इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बस अब ये तैयार है और अब मैं इसे कोन में भरूंगी। कोन में मेहंदी भरने का बेस्ट तरीका होता है कि एक ग्लास में एक पॉलिथीन की थैली डाल लीजिए। अब मेहंदी का पेस्ट इस पॉलिथीन में डालेंगे। अब इस पॉलिथीन को निकाल कर इस तरह रबर बैंड लगा देंगे। अब मैं इस थैली का एक कोना काट कर बड़े आराम से मेहंदी पेस्ट को कोन में भर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसका एक कोना काट दिया है। बस अब इस तरह बड़े आराम से हम इसको कोन में भर सकते हैं। ध्यान रहे कि कोन को 3/4 से ज्यादा कभी नहीं भरें, वरना ज्यादा भरने की वजह से इसके जॉइंट्स भी खुल सकते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर एयर भी चाहिए, क्योंकि एयर के प्रेशर से ही मेहंदी बाहर निकलेगी। बस अब मैं इसे रबर बैंड से इस तरह से पैक कर रही हूँ। ये देखिए, कोन बनकर तैयार है। अब इसे हम आगे से जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा काट लेंगे। इसे बिल्कुल बारीक काटे। अब इसको हम चलाकर देखेंगे। अगर ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तो ये मेहंदी लगाने के लिए एकदम तैयार है। ये देखिए, ये एकदम स्मूथली चल रहा है। ये देखिए कितना स्मूथ मेहंदी कोन बना है। बहुत अच्छी लाइंस ड्रॉ हो रही है, बहुत अच्छे कर्ल्स ड्रॉ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेहंदी पेस्ट भी बहुत अच्छा बना है और मेहंदी कोन भी बहुत अच्छा बना है। तो दोस्तों, इस तरह नेचुरल मेहंदी ऑयल यूज करके बहुत प्यारा और एकदम डार्क कलर देने वाला और बिल्कुल स्मूथ चलने वाला मेहंदी कोन बनाइए और अपने हर खास मौके को सुंदर मेहंदी लगाकर और भी खास बनाइए।